हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश जानी और आपका स्वागत है बॉली न्यूज हब में। एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है कि रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती को NCB यानी कि द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कुछ समय पहले गिरफ्तार कर लिया है। शौविक के साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत के एक्स हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को भी NCB ने गिरफ्तार कर लिया है। कुछ समय पहले रिया के भाई शौविक ने ये बात कबूल की है कि वो ड्रग्स खरीदते थे उनकी बहन रिया के कहने पर। ये एक बहुत ही बड़ा खुलासा है सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में। NCB के सूत्रों के अनुसार ऐसा भी माना जा रहा है कि रिया के भाई शौविक और सुशांत के एक्स मैनेजर सैमुअल काफी सारे ड्रग पेडलर्स के संपर्क में थे। शौविक और सैमुअल के अलावा तीन और लोग अरेस्ट किए गए हैं NCB के सूत्रों के अनुसार। शौविक और सैमुअल के घर पे रेड मारी थी। आज शुक्रवार के दिन को NCB ने शौविक और सैमुअल के घर पे रेड मारी और ऐसा बताया जा रहा है कि उनको रिया के फोन, लैपटॉप और कार की तलाश थी। सूत्रों के अनुसार ऐसा भी बताया जा रहा है कि रिया के भाई शौविक कुछ समय पहले ड्रग पेडलर बासित परिहार को बांद्रा के एक क्लब में मिले थे। ऐसा भी बताया जा रहा है कि बासित परिहार एक दूसरे ड्रग पेडलर सोहेल नाम के बंदे के साथ ड्रग्स बेचने की बात कर रहे थे और वो रिया और शौविक को ड्रग्स दे रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत 14 जून 2020 को हुई थी। सूत्रों के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि NCB अपनी अरेस्ट फॉर्मेलिटीज शौविक और सैमुअल के खिलाफ अगले 2 घंटे में पूरी कर देगी। शौविक और मिरांडा ICB सेक्शन 20B के अंडर अरेस्ट किए जाएंगे। ऐसे ही बॉलीवुड की खबरों देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कॉमेंट कीजिए बॉली न्यूज हब को।